क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो मेरे से? तो आपके पापा आपको छोड़ के गए ना? हाँ। फिर आप यहाँ पे क्यों बैठे हो दरवाजे पे? चलो आपको पैक कर दूं, मंजुलिका को दे दूं पैक करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरा एक वीकेंड व्लॉग आपके साथ में। और अभी मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे मैं आयत को रेडी कर रही हूँ। आयत का कॉस्ट्यूम और उसका हेयर स्टाइल देखिए, थोड़ा थोड़ा आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आयत आज एक मराठी गेटअप आयत का होने वाला है। यहाँ पे मैं उसको हाफ मून वाली जो बिंदी होती है वो लगा रही हूँ। ये मैंने मेरे एक नेबर से ली थी। आयत जा रही थी स्कूल के एनुअल फंक्शन में और वो एक मराठी सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाली है विद अ क्लास ग्रुप। तो लेट्स सी आज आयत मराठी गेटअप में दिखती कैसी और वो क्या परफॉर्म करने वाली है। अच्छा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आयत कैसी दिखेगी कंप्लीट लुक में। जो कॉस्ट्यूम था वो स्कूल से ही मिला था, जो रेडीमेड रहता है ना डायरेक्ट पहनने वाली, वैसी साड़ी थी ये। सिर्फ दुपट्टा अलग से पिनअप करना था तो वो मैंने पिनअप वगैरह कर दिया था। तो फाइनली आयत रेडी हो गई थी और हम लोग निकल चुके थे। चलो चल। अरे माँ, तुम ले रहे हो क्या? तुम ले रहे हो क्या? खड़ा ले। चलो चलो। हाँ, अरे मामा, बाय रानी। आयत आयत को मतलब स्टूडेंट को है ना टीचर्स के पास छोड़ना था, तो हमने भी आयत को छोड़ दिया था टीचर्स के पास में। और अभी हम एंट्री कर रहे हैं हमारे ऑडिटोरियम में। तो ऑडिटोरियम ऑलमोस्ट अभी हाफ तो खाली ही था, अभी पेरेंट्स और आने वाले थे। हमको हाफ एन आवर जल्दी बुलाया था, जो बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले थे ना उनको। तो फाइनली हम लोग एक जगह बैठ गए थे। यहाँ पर एक चीज़ हमको अच्छी लगी कि सबका जो है ना क्लास वाइज रो डिवाइड किया हुआ था, तो हम हमारी रो में बैठ गए थे। और अभी यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह का होता है ना वो चल रहा था, देन हुआ हमारा वेलकम और फिर होंगे प्रोग्राम स्टार्ट। दैट वाज इंडीड अ ऑफर। और अभी था ये आयत का परफॉर्मेंस। आयत का सॉन्ग था मी हाई कोली, जो मराठी बहुत पुराना फेमस सॉन्ग है वो। मैंने यहाँ पे सॉन्ग नहीं डाला है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। छोटी सी आयत है, देखो अगर आपको दिख रही होगी तो, चश्मा पहना है उसने। और मैं ना आयत का जो डांस है वो अलग से डाल दूँगी यूट्यूब पर विथ सॉन्ग। और यहाँ पर ना ये फंक्शन का थीम था इनक्रेडिबल इंडिया, तो इन लोग ने हर स्टेट का लैंग्वेज वाइज एक एक सॉन्ग लिया था, एक एक परफॉर्मेंस लिया था। बंगाल का अलग, साउथ का, महाराष्ट्र का, कश्मीर का। ऐसा एक तो बहुत प्यारा सा सॉन्ग था यहाँ पे, वन ऑफ माय फेवरेट, बुमरो बुमरो। हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। एक्चुअली ये है वो वाला डांस, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बच्चों ने, सारे ही बच्चों ने। तो यहाँ पे एट लास्ट जब बच्चों का परफॉर्मेंस हो गया तो यहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर बच्चों का हुआ था स्टेज पर। और बच्चे ना परफॉर्म कैसा भी करें स्टेज पे, कलरफुल कपड़े पहन के जब स्टेज पे आते हैं ना तो वैसे ही स्टेज प्यारा दिखने लगता है। तो काफ़ी अच्छा एंटरटेनिंग रहा ये फंक्शन। और एट लास्ट पेरेंट्स ने भी एक थोड़ा सा मतलब छोटा सा परफॉर्मेंस दिया था सेम ऑन इनक्रेडिबल इंडिया पे। फंक्शन ख़त्म हुआ, थोड़ा सा हमने फ़ोटो सेशन किया और उसके बाद हम आ गए थे घर पे।
तो घर पे आके आए थे ना, स्कूल में जो भी उसको मिला था, जो भी खाने वाला सामान था ना, उसने घर पे आके ओपन किया था। वो बोल रही थी कि सब बच्चों ने खा लिया था, मुझे आपको दिखाना था तो इसके लिए मैं घर पे लेके आई। तो यहाँ पे वो एक एक चीज़ें मेरे को दिखा रही थी। काफ़ी अच्छा किट मिला था उनको, एक छोटा सा स्नैक्स किट। तो और एक चीज़ मुझे बहुत प्राउड फील हो रही थी कि मैंने ना आयत के बाल जैसे बना के भेजे थे उसने वैसे ही एंड तक रखे, उसने बिल्कुल भी बाल ख़राब नहीं किए और वो वैसे ही बाल लेके आ गई थी। तो आई एम श्योर आके भी अगर ऐसा कुछ करूँगी ना तो वो डेफिनेटली रख लेगी। अच्छा अभी आ जाते हैं, कुछ रेसिपी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। मैंने कुकर में घी गरम किया, अच्छा खासा 2 चम्मच बड़ा देसी घी गरम किया है मैंने, और उसमें मैंने यहाँ पे डाले हैं गाजर। तो मैंने गाजर को ऐसे छोटे मतलब एक गाजर को ऐसे 2 पीसेस में कट किया था मैंने, तो इस तरीके से मैंने काट के गाजर को डाल दिया है। गाजर को मैंने अच्छे से छील के वॉश कर लिया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि प्रॉपर मिक्स तो होने वाला नहीं है, सिर्फ इतना मेक श्योर करना कि जो घी हमने डाला है ना वो सब गाजरों में थोड़ा थोड़ा लग जाए। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे केसर, अगर आपके पास है तो डालो, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस पार्ट। और फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे इलायची का जो छिलका होता है ना वो डाला है मैंने, उसके अंदर के दाने निकाल लिए हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बहुत ईजी वे है गाजर का हलवा बनाने का, वो कंटिन्यू चलाते रहो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो बस सारी चीज़ों को मिक्स किया और हम इसको 2 सीटी तक प्रेशर कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक साइड में जो दूध था ना उसको भी गरम कर लिया था, और इतना गरम किया था कि मेरा 1 लीटर दूध 1/2 लीटर हो गया था। और यहाँ पे जो गाजर है वो भी देखिए गल गया था, बस इतना ही गलाना है, इससे ज़्यादा हलवा नहीं करना है हमने। और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से ही फोड़ देंगे, आप चम्मच से फोड़ लो या फिर मैशर ले लो। बहुत ज़्यादा इसको एकदम से लाइक आलू जैसे हमने ये करते हैं ना वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये पकेगा तो खुद भी थोड़ा सा मतलब गलेगा और थोड़ा थोड़ा इसका साइज़ कम होता जाएगा। उसके बाद मैंने जो दूध गर्म किया था ना वो इसमें डाल दिया। अच्छा जब आप दूध डालोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि दूध फट गया है, तो डोंट वरी, दूध फट जाता है या नहीं भी फटता है, गाजर के हलवे में कोई भी अफेक्ट नहीं आता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आप पकाते रहिए जब तक पूरा जो दूध है ना वो इसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा मिक्स होके सूख ना जाए। तो ये देखिए, ये इतना ऐसे ऐसे सूखते जा रहा है। एट लास्ट मुझे जब लगा ना कि पीसेस थोड़े बड़े बड़े हैं, तो मैंने जो हमारा पाव भाजी वाला मैशर होता है ना उससे मैश कर दिया था। और जब पूरा दूध सूख गया तो यहाँ पे मैंने लिया है घी, घी को गरम किया और उसमें मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता, तो इनको इस तरीके से चॉप करके लिया था मैंने। इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और फिर इसको डाल देंगे गाजर के हलवे में। और फिर गैस मैंने बंद ही रखा है, थोड़े से घी में मैंने डाला है किशमिश, मैंने गैस ऑन नहीं किया है। जो चम्मच है ना वो हमारा गर्म रहेगा, बस उतने में ही हमारा घी गर्म हो जाएगा और बस वही इनफ हो गया किशमिश को फ्राई करने के लिए। तो बस थोड़ा सा किशमिश को इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा हीट करेंगे और फिर इसको भी डाल देंगे गाजर के हलवे में। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए अच्छा खासा गाजर का हलवा, जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा ये। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शक्कर, तो मैंने 2 कटोरे भर के शक्कर डाला है और मैंने थोड़ा सा कम मीठा रखा था। उसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में इलायची डाली थी ना उसके अंदर के जो दाने थे उनको मैंने ऐसे क्रश करके यहाँ पे डाल दिया है। अच्छा मैंने खोआ भी डाला था, वो क्लिप मिस हो गई है एक्चुअली, तो आप भी खोआ डाल दीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर पका लीजिए, 5 से 10 मिनट, बस हमारा गाजर का हलवा तैयार है। बिना मेहनत के बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा, और बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुकर में बनाया तो अच्छा नहीं बनेगा, डू ट्राई इट गाइज। अच्छा इसके बाद हम आ गए थे एक्चुअली हमारी कैट को लेकर डॉक्टर के पास में, काफ़ी दिनों से उसको क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसने बस खाना पीना छोड़ दिया है। बीमार नहीं है कुछ भी, ना फीवर है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ खा नहीं रही है, एकदम चूजी टाइप हो गई है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ डॉक्टर के पास उसको दिखाने के लिए, और जब डॉक्टर के पास आया ना तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जितने पैकेट रखे हैं ना बस सब इसने खा लेना है। 2.8 अभी आ जाते हैं डिनर पे। तो यहाँ पे मैं एक
रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मैंने 1 kg चिकन लिया है, अच्छे से वॉश करके लिया था, उसका पानी पूरा ड्रेन कर दिया था। उसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, आधा नींबू निचोड़ा है मैंने इसमें, और बस इतनी ही चीज़ें डालनी है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए हमने रख देना है मैरिनेट होने के लिए। बस ये एक साइड में अपना मैरिनेट होता रहेगा, हम अपने मसाले भून लेते हैं। तो यहाँ पे ली है मैंने कढ़ाई, मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम किया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिया है, उसको डाल देंगे ऑयल में और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। और जब इसका कलर चेंज होगा ना, देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और फिर जब तक इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए, कच्ची कच्ची जो अदरक लहसुन की स्मेल आती है ना, वो जाने तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ड्राई स्पाइसेस, तो उसमें मैंने डाला है जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आता है वो, देन लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, फिर डालेंगे हल्दी और पाउडर, फिर हम डालेंगे यहाँ पे बेसन। तो मैंने 1 चम्मच भर के बेसन डाला है। फिर हम इसमें डालेंगे सौंफ, और सौंफ डालने के बाद ये जितने भी मसाले ना, इनको अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए, ये मसालों को हमको भूनते रहना है। आप इसको ढक के भून लीजिए 5 से 7 मिनट। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया एकदम बारीक, और फिर मैंने 6-7 हरी मिर्ची ली है जिनको मैंने बीच से कट करके लिया है, तो वो भी डाल दिया है। साथ में मैंने डाल दिया है नमक। फिर से इसको भून लीजिए मसाले को। और एक साइड पे मैंने तवे पे लिया है ज़ीरा, काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग, और ली है मैंने सूखी मिर्ची जो लाल मिर्ची होती है वो। इसको भून लीजिए और फिर इसको एज इट इज़ ही कढ़ाई में डाल दीजिए, जो मसाले उनके साथ में मिक्स कर लीजिए, अच्छे से भून लीजिए 8 से 10 मिनट। उसके बाद जो हमने चिकन है ना, वो डाल देना है इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन को मसाले के साथ में, और इसको ढक के पका लेंगे 10 से 12 मिनट तक, जब तक चिकन न गल जाए। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप उसमें वही टाइम पे पानी भी डाल सकते हो। एट लास्ट हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, और 1 चम्मच भर के डाला है मैंने गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ग्रेवी बहुत कम रखी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए था। और फिर इसको गार्निश कर देंगे धनिया पत्ता से। तो बस यहाँ पर हमारा डिलीशियस सा चिकन ग्रेवी तैयार है। टू ट्राई इट, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना। और अभी आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे। तो नेक्स्ट डे था संडे, तो संडे होता है बेसिकली मॉल डे। हम लोग के घर से मॉल काफ़ी नज़दीक है, तो बच्चों को गेम वगैरह खेलना होता है तो हम लोग मॉल में ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे टाइम जोन में, और यहाँ पे ये लोग अपना स्विंग्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मुझे जो कुछ भी स्पेशल रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती है ना, वो मैं वीकडेज़ में ही बनाती हूँ। संडे को मैं कोई भी स्पेशल कुकिंग नहीं करती हूँ। वीकडेज़ में कैसा रहता है, बच्चे भी स्कूल ट्यूशन में इन्वॉल्व रहते हैं तो आराम से बनाने मिलता है, और संडे सब लोग घर पे होते हैं तो फैमिली को मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ। हम लोग मोस्टली बहुत रेयर संडे को घर पे कुछ स्पेशल बनता है, अदरवाइज़ हम लोग बाहरी बच्चों के साथ में ही स्पेंड करते हैं। तो बस इसी तरीके से हमने संडे स्पेंड किया, गेम्स वगैरह खेले, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी शॉप की, और फिर खाना भी हमने बाहर ही खा लिया था। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीकेंड ब्लॉग, कुछ प्यारी सी मेमरीज। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा रेसिपीज़। मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।